भारत दल जो है वो आज फिर सड़कों पर उतरा है। जो कल एक बस पर टारगेट किलिंग हुई है, उस किलिंग को लेकर कहीं ना कहीं ये भी सड़कों पर उतरे हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? एक तरफ प्रधानमंत्री दोबारा से शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग। क्या लग रहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हो रही है? एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे LG उसी शपथ में बैठे हुए जाकर, और जम्मू कश्मीर में हालात लगभग 10 लोग इस वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, आज हमारे जम्मू में ये कोई नई बात नहीं रह गई है। इससे हम अचंभित नहीं होते हैं कि आज यहाँ टारगेट किलिंग्स हो गई। आज हमारी सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, या बसंतगढ़ में हमला हो गया, या पीर की गली में हमारे जो सेना के जवान थे उनसे गोलियां छीन ली गई, बंदूकें छीन ली गई। ये बहुत आम हो चुका है। पर आप जानते होंगे, आज से कुछ दशक पहले चले जाएं तो ये घटनाएं कश्मीर में होती थी, ये घटनाएं आपको जम्मू में नहीं सुनने को मिलती थी, ये बहुत रेयर चीज़ें होती थी। मगर आज जम्मू में चीज़ें आम हो चुकी हैं। जम्मू में ये चीज़ें आम होना मतलब वो लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं, वो लोग जिस एजेंडे को लेकर चल रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं। मगर हमारी सरकारें कहीं ना कहीं अपनी विफलता को हमारे समक्ष रख रही हैं, जनता के समक्ष रख रही हैं कि हम पूरी तरह से विफल हैं इस आतंकवाद को रोकने में। आज अगर कश्मीर में पत्थरबाजी रुक गई है तो उसका असर क्या जम्मू झेलेगा? आपने कहा विफल है रोकने में। पहले DG जो थे वो कहते थे 200 मिलिटेंट है, अब वाले DG कहते हैं 80 मिलिटेंट है। 80 मिलिटेंट होने के बावजूद भी इतने लोगों को टारगेट किया जाए? देखिए, मैं DG पर नहीं आऊंगा, मैं उस गृह मंत्री की बात करूंगा जिन्हें गृह मंत्री के आंकड़े भी उस DG से नहीं मिलते हैं, जिसे चीफ सेक्रेटरी के आंकड़े भी उस DG से ना उस होम मिनिस्टर से मिलते हैं। कहने का मतलब है, जब आप लोगों के सच्चाई हो गई तो सच्चाई में सब लोगों का एक जैसा बयान होता है, जब झूठ हो, झूठ छुपाने के लिए मैं अलग बयान दूंगा, ये अलग देंगे, ये अलग देंगे। वही चीजें इन सरकारों में देखने गई है कि होम मिनिस्टर अलग बयान देते हैं, चीफ सेक्रेटरी अलग देते हैं और DG अलग देते हैं। वही चीजें आपके समक्ष रखी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, लगभग 22 जून का वक्त दिया गया था और इलेक्शन से जम्मू कश्मीर को दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इलेक्शन आप ना करवाइए, मगर हम लोगों को बलि का बकरा ना बनाइए। नहीं करवानी आपने इलेक्शन, आप असेंबली में नहीं जीत सकते हैं और नहीं जीतिए, नहीं करवाइए इलेक्शन। जैसे आप हम लोगों पर टैक्स थोप रहे हैं, जो जजिया हम पर मनोज सिन्हा जी थोप रहे हैं, थोपते रहिए, मगर हमारी जानों के साथ खिलवाड़ तो नहीं करिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को तो आप शिकार ना बनाइए। हमारे छोटे छोटे बच्चों की आप बलि दे रहे हैं, हमारी महिलाओं की आप बलि दे रहे हैं, जो इतनी दूर से यहाँ माता के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनके परिवार पर आज क्या बीतरी होगी कि भगवान के दर्शन करने गए थे तो उनकी मौत हो गई? ये सोचने का विषय है। बहुत बड़ा टारगेट जो किलिंग थी पहली कश्मीर में हुआ करती थी, कश्मीर में टूरिस्ट अच्छे तरीके से आ रहा है, लेकिन जम्मू में लगातार मिलिटेंट जो आगे की तरफ आ रहे हैं, कभी रजौरी पहुंच में, आज रियासी में पहुंच गए, कल कहां पहुंचे? देखिए, उनका एजेंडा, मैंने कहा कि ग्रेटर कश्मीर का फॉर्मूला वो अप्लाई हो रहा है। उन्होंने धीरे धीरे करके आपका अनंतनाग और रजौरी पुंछ को अनंतनाग में ले लिया, वहां से उनकी कवायद जो चल रही है कि किस तरह से हिंदू विहीन उसको किया जाए, वहां पर पिछले दिनों भी हमले हुए थे, मगर आपकी मीडिया में वो खबर नहीं आई। मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर हिंदू इस तरह के जो श्रद्धालु थे उन पर हमला किया गया था, किस नाम पे, कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस पर पीटा गया था, औरतों को पीटा गया था, मगर वो मीडिया में खबर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है, जो उनके प्रोपोगंडा है, जो उनका एजेंडा है, वो वहां पे कर रहे हैं और उसी को देखते हुए वहां से हिंदू विहीन करने की तैयारी है। हिंदू सरकार है, हिंदू प्रधानमंत्री है, तो हिंदू विहीन कैसे हो जाएगा? देखिए, वो सारी चीजें अगर प्रमाण देखा जाए तो आपके सामने है। आप भी समझदार हैं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, तो आप खुद एहसास कीजिए कि आज जम्मू के क्या हालत हैं। आपने खुद ये चीजों को कहा कि कोई वक्त था कि कश्मीर में ये घटनाएं होती थी, जम्मू में नहीं होती थी। अगर जम्मू में आम हो गई हैं तो आपके सामने चीजें, इसमें छुपा क्या है? आज जनता कोई बेवकूफ नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि आप जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो लोग आज उन लोगों को पनाह दे रहे हैं, हमने हमेशा कहा कि उन लोगों को जो पनाह दे रहे हैं उन लोगों को टारगेट कीजिए, उन लोगों को जेल के अंदर डालिए, उन लोगों को सूली पर चढ़ाइए, वही सबसे बड़े गद्दार हैं। और आप जिस तरह 370 तोड़ते हैं, या आप कहते हैं कि कश्मीर को हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाने देंगे, तो यही लोग तो अपना मंसूबा कामयाब कर रहे हैं। जब यहां से सिक्योरिटी, जो हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉय हुई है, उस पर जब हमले होंगे तो कहीं ना कहीं उनका इशारा यही है कि पाकिस्तान की तरफ जाना हमने। 29 जून को यात्रा शुरू होने वाली है, पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा, क्या लग रहा है उस यात्रा से पहले सिक्योरिटी टाइट की जाएगी? जो लोग इस वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं उनको कुछ दिया जाएगा? देखिए, कंपनसेशन तो उनको मिलनी ही चाहिए, मगर कंपनसेशन से भी किसी के घर का जो बच्चा या बच्चा बूढ़ा या माँ बाप या औरतें, जो महिलाएं जिसके घर से गई हैं, वो उनके जो गम है, कभी भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो उनके गम कभी भरेंगे नहीं। मगर आप कंपनसेशन दे के कम से कम, और उनके घर में किसी न किसी को नौकरी देकर कम से कम उनका थोड़ा सा दुख है वो कम कर सकते हैं। मगर
इसके बाद की बात यह है कि क्या अगली बार फिर हमला होगा, हम यहाँ फिर प्रदर्शन करेंगे, हम फिर यही डिमांड करेंगे कंपनसेशन दो, हम फिर डिमांड करेंगे उनके घर को नौकरियां दो, हम ये चाहते हैं आतंकवाद को खत्म किया जाए। अभी तक जम्मू कश्मीर के एलजी का ट्वीट तक नहीं आया इस घटना को लेकर, क्योंकि वो तो कल दिल्ली में बैठे हुए थे। एलजी कहते हैं कि आप जो लोग आपके आधार कार्ड देखकर कहते हैं कि ये हिंदू है इसको मार दो, आप उन लोगों को धर्म के साथ ना जोड़िए। जब एलजी ऐसे बयान देते हैं तो एलजी कैसे बोलेंगे? ये एलजी ट्वीट करके, एलजी के ट्वीट से होगा भी क्या? एलजी के हाथ में है क्या सिवाय हमारी, जो हमारी गर्दन है उसके अलावा एलजी के हाथ में कुछ नहीं है। एलजी का काम यही है कि किस तरह जम्मू के गरीब लोगों से टैक्स लिया जाए, किस तरह जम्मू के लोगों को अनएम्प्लॉयड किया जाए, किस तरह जम्मू के लोगों को यहाँ खत्म किया जाए, उसके अलावा एलजी के हाथ में ये ताकत नहीं है कि वो आतंकवाद खत्म कर सके। ये आपने देख लिया, अन्यथा इतना जो आतंकवाद आज जम्मू के भीतर घुसाया, ये सोचने का विषय है कि जम्मू के राष्ट्रवादी समाज जिनके पास हथियार तक नहीं है, जिनके घर में गोलियां नहीं है, जो सिर्फ इस तरह चलते हैं कि झंडा हमारे हाथ में चाहिए, कल आतंकवाद उनके घर के अंदर घुस जाएंगे तो बताइए कौन जिम्मेदार है? झंडा लेके आएंगे ना तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार यही एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा, सरकारों को सोचना होगा। आज मोदी जी सरकार बना रहे हैं, बन चुकी है, मैं उनको बधाई देता हूँ। मोदी जी आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका सम्मान करते हैं, मगर हमारा उनसे निवेदन रहेगा, मोदी जी हम लोगों का बलि का बकरा ना बनाए, या जो आपके यहाँ एजेंट बैठे हुए हैं अपना मनोज सिन्हा, उनको समझाएं कि यहाँ पर आतंकवाद का सफाया किया जाए, जो ओवरग्राउंड वर्कर जो उनको पनाह देते हैं उनको अंदर डाला जाए, इस चीजों को खत्म करके राजनीति किसी और तरह से की जाए, मगर हमें बलि का बकरा बनाकर हमारी लाशों पर राजनीति करना कम से कम बंद करें। सनातन भारत दल जो है वो लगातार ये बात कर रहा है कि बलि का बकरा ना बनाया जाए हिंदुओं को, लेकिन मैं आपको बता दूं जितेंद्र सिंह और दूसरे एमपी जो हमारे हैं यहाँ पर जुगल किशोर शर्मा कल दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन आज तक अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है इस घटना पर, उनकी कोई 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 बात तक नहीं निकल के आई। और जम्मू कश्मीर के एलजी जो है वो यहाँ पर दिल्ली में इस वक्त होंगे, एक हौसला है जम्मू आ जाए, लेकिन इस घटना को लेकर अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बातचीत जो है वो निकल के नहीं है। बहरहाल इनका ये कहना है जिन लोगों की जान जा चुका है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और एक एक व्यक्ति को जो उनके घर के लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि टारगेट किलिंग जो जम्मू की तरफ इस वक्त बढ़ चुकी है, टारगेट किलिंग को किस तरह से रोका जाए, कैसे रोका जाए, कब रोकेंगे, क्या एजेंसी यहां पर उनका फेलियर नजर आ रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाना, 10 लोगों की मौत हो गई और यात्रा से आ रही गाड़ी के ऊपर निशाना जो था वो बना निशान बनाया गया, उसके बाद इतनी बड़ी घटना जम्मू में नजर आई है। आगे पवित्रा अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उस यात्रा को किस तरह से ये प्रारंभ करेंगे, किस तरह से यात्रा चलाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त पूरे जम्मू में जो लगातार हिंदू संगठन जो है वो प्रदर्शन करते हुए आपको नजर जरूर आएंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर